हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय केट पब्लिक स्कूल ऑफ क्लास फोर सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर एंड टुडे वी विल डू पोएम गोइंग डाउन हिल क्वेश्चन आंसर्स सो फर्स्ट यू हैव टू राइट हेडिंग क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोट बुक एंड देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर वन वट डू यू थिंक इन द इज द स्पीकर इन द पोएम गिव रीजन तो आपको क्या लगता है कि इस पोएम में कौन है स्पीकर और क्यों सो द आंसर बॉय इज द स्पीकर इन द पोएम हु इज राइडिंग अ बाइसिकल डाउन हिल सो द कौन है स्पीकर लड़, एक लड़का है जो अपनी बाईसिकल राइड कर रहा है डाउन हिल क्वेश्चन नंबर टू द लाइन इज गिवन फ्रॉम द पोएम ओ बर्ड सी सी बर्ड आई फ्लाई सो ऑन द बेस ऑफ दिस लाइन यू हैव टू समन इज गिवन ए एंड बी पार्ट

बी पार्ट वट डज द स्पीकर वॉन्ट द बर्ड टू नो तो स्पीकर क्या बताना चाहते हैं बर्ड को क्या जानना चाहते हैं स्पीकर कि हमें उसको बताऊँ आंसर ही वॉन्टिड द बर्ड टू नो दैट ही कैन ऑल्सो फ्लाई एंड वॉन्ट्स टू शेयर अ गोल्डन मोमेंट ऑफ फेदरी लाइफ इन एयर तो वो बर्ड को ये बताना चाहते हैं कि वो वो भी उड़ सकते हैं और अपना वो एक गोल्डन मोमेंट शेयर करना चाहते हैं उसके साथ फेदरी लाइफ इन एयर एक जो फैदर बर्ड की जो लाइफ है वो अपने अपने अकॉर्डिंग वो उनके साथ शेयर करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री स्विफ्टर एंड येट मोर स्विफ्ट टिल द हर्ट विद माइटी लिफ्ट मेक्स द लंग लाफ द थ्रोट क्राई ये भी कुछ लाइनें हैं जो पोएम से ली गई हैं उनके बेस से भी दो टू क्वेश्चन दे रखे हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वट फीलिंग्स डज द स्पीकर एक्सप्रेस हेयर क्या फीलिंग्स स्पीकर ने यहाँ पे व्यक्त की हैं इस लाइन इन लाइनों में सो द आंसर इज व्हेन द बाइसिकल गेन स्पीड एंड ही फील एज इफ ही इज़ फ्लाइंग हर्ट फिलअप विद जॉय मेकिंग हिम फील एज इफ हीज़ लंग्स आर लाफिंग तो जब स्पीकर नीचे उतरते हैं हिल से तो उनकी बाइसिकल स्पीड गेन करती है मतलब बहुत ज़्यादा तेज चलने लग जाती है तो जो वो, वो सोचते हैं कि वो अब उड़ने लगे हैं तो उस टाइम पे उनके हार्ट्स जो होते हैं वो खुशी से भर जाते हैं और जो लंग्स हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वट कॉज द स्पीकर टू फील दिस वे क्या चीज़ उनको ये फील कराती है आंसर इज़ द एक्शन ऑफ राइडिंग अ बाइसिकल डाउन हिल तो जब वो अपनी साइकिल से हिल से नीचे उतर रहे हैं तो वो जो टाइम है वो उनको ये फील करा रही है क्योंकि वो उस टाइम पर उनकी जो बाइसिकल है वो एक बहुत स्पीड गेन कर लेती है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर इज दिस इज दिस योर जॉय तो ये भी एक लाइन है पोएम से एंड क्वेश्चन इज होम डज वर्ड योर रेफर टू इन दिस लाइन तो आंसर इज द बर्ड योर किसके लिए रेफर किया गया है बर्ड्स के लिए बी वट इज़ द स्पीकर आस्किंग इन दिस लाइन स्पीकर क्या पूछ रहे हैं इस लाइन में द स्पीकर वॉन्ट टू आस्क द जॉय ऑफ बर्ड तो वो उसमें ये जानने की कोशिश हैं कि उनका जो बर्ड्स की वाकई में जो उनकी खुशी है वो क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव वट इज़ द गोल्डन मोमेंट दैट द स्पीकर टॉक्स अबाउट इन द पोएम तो गोल्डन मोमेंट क्या चीज़ है जो स्पीकर इस पोएम में बता रहे हैं वर्ड यूज़ क्या है ना गोल्डन मोमेंट तो उसके लिए पूछ रहे हैं कि क्या क्यों यूज़ किया है वो किस लिए सो द आंसर इज़ द गोल्डन मोमेंट रेफर्स टू द मोमेंट वैन द बॉय फील द दैट ही इज़ एज फ्री एज बर्ड एंड इज एबल टू पार्टिसिपेट इन द जॉय अ बर्ड एक्सपीरियंस वैन इट फ्लाई तो गोल्डन मोमेंट उस चीज़ को रेफर करी गई है कि जब वो जो पॉइट हैं जो पॉइंट बता रहे हैं कि जो बॉय है वो जब हिल से नीचे उतरते हैं तो वो एक फ्री महसूस करते हैं जैसे कि बर्ड महसूस करते हैं जब वो आसमान में उड़ते हैं तो उस टाइम को वो फील करना चाहते हैं और उसके साथ पार्टिसिपेट करके ये बताना चाहते हैं कि वो भी वैसे ही महसूस करते हैं जैसे कि बर्ड महसूस करती है जब वो उड़ती है तो सेम चीज वो महसूस करके फिर वो अपना मोमेंट शेयर कर रहे हैं बर्ड के साथ नाउ सम लाइन आर गिवन एंड यू हैव टू रीड इट केयरफुली एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन रीड द लाइन फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली विद लिफ्टेड फीट हैंड स्टिल आई एम पॉइड एंड डाउन द हिल डार्ट विद द दिटफुल माइंड द एयर गोज बाई नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम अबव लाइन तो ये कुछ लाइनें गिवन हैं आपको पोयम से ली गई हैं ये लाइनें अब आपको इन्हीं लाइनों के बेस पे कुछ क्वेश्चन गिवन है उसको आपको आंसर देने हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है राइमिंग वर्ड्स का है कि आपको राइमिंग वर्ड फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट इज स्टिल हिल सेकेंड इज माइंड विंड सो दीज टू आर राइमिंग वर्ड्स पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स नाउ सेकेंड क्वेश्चन विच वर्ड मीन्स एप्सोल्यूटली स्टिल बट रेडी टू गो किस चीज़ का मतलब है कि बिल्कुल स्थिर रहना और तैयार रहना जानने के लिए पॉइज पॉइज का मीनिंग है एप्सोल्यूटली स्टिल बट रेडी टू गो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री राइट एंटोनियम ऑफ आइडलनेस सो हमें आइडलनेस का अपोजिट लिखना है सो आंसर इज केयरफुल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इज नेम द पोएम इन द पोइट हमें पोएम और पोइट का नाम लिखना है so answer is poem name is going downhill and poet name is henry charles beeching so these were some questions from your poem and you have to write down in your notebook carefully after completion of one question you can put these lines these types of lines so so student do do these questions carefully and learn it also thank you students